Exercise number C. Rewrite the following sentences using an apostrophe. Apostrophe use करके हमें sentence को वापस लिखना है. In that first, this polka dotted red and white dress belongs to Sadhana. अब यहाँ पे जो dress है वो Sadhana की है, ऐसा हमें show करना है. तो possession show करने के लिए हम apostrophe और s use करते हैं. तो यहाँ पे sentence बनेगा, this polka dotted red and white dress is Sadhana's. Now number two, the cricket bat belongs to Harsh. जो cricket bat है वो Harsh का है. तो ऐसा हमें show करना है, position show करना है. तो यहाँ पे भी हम Harsh के बाद apostrophe और s add करेंगे. तो sentence is, that cricket bat is Harsh. Now number three, the color of the bag is yellow. अब यहाँ पे हमें शो करना है कि बैग का कलर येलो है. सो यहाँ पे हम बैग के पीछे एपोस्ट्रोफी और एस ऐड करेंगे. सो द सेंटेंस इज द बैग्स कलर इज येलो. नाउ नंबर फोर, द नेम ऑफ द कैट बिलोंगिंग टू अवनी इज मिकी. अब यहाँ पे अवनी की कैट का नाम मिकी है. तो यहाँ पे जो कैट है वो किसकी है, अवनी की है. तो ये शो करने के लिए हमें यहाँ पे अवनी के बाद एपोस्ट्रोफी और एस ऐड करना पड़ेगा. सो द सेंटेंस इज द नेम ऑफ द अवनीज कैट इज मिकी. नाउ रेस्ट ऑफ ऑल इज योर होमवर्क.